तो दोस्तों पॉर्चुल का प्लांट, मॉस रोज, 9 o'clock, 10 o'clock, ये जो प्लांट है ये आपके हमारे सबके घर में होते हैं और सबसे ज़्यादा सबसे आसान पौधा है ये। जो प्लांट है इतना इजी टू ग्रो कोई प्लांट नहीं हो सकता जितना ये। सकलेंट प्लांट है। इसके जो लीफ होते हैं जो काफ़ी मोटे मोटे से होते हैं और इसमें पानी स्टोर होता है तो इसलिए इसको उतना पानी का भी ज़रूरत नहीं होता है। और इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में रहना चाहते हैं। इसमें 40 से 45 टेम्परेचर रहता है तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। और इसको 6 से 8 घंटे का धूप चाहिए, एटलीस्ट 4 to 6 आवर का धूप इसको चाहिए ही। इससे क्या होता है, जितना ही अच्छा से ये धूप में रहेगा उतना ही अच्छा ये फ्लावरिंग करता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि इसमें मेरे फ्लावर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं 2 टिप्स बताऊंगी। उसके बाद आप 10 से 15 दिन में आप ये 2 टिप्स को फॉलो करेंगे और इसका 10 से 15 दिन में ही रिजल्ट दिख जाएगा आपको। और इसका मैं गारंटी बोलती हूँ कि इसमें कलियाँ और फ्लावर पूरा भर जाएगा। और एक बात बताऊँ कि अगर आपका स्टेम बड़ा हो रहा हो और कलियाँ नहीं आ रही हो, फ्लावर नहीं हो रहा, तो उसको क्या करें आप, उसको तोड़ के मतलब निकाल ले। वो इजी ही होता है तोड़ना, उसको बहुत आसानी तरीके से टूट जाएगा। और उसके बाद उसी गमला में लगाइए या फिर कहीं अलग लगाना है तो लगा सकते हैं। बट अगर आप मॉस रोज को बुशी करना चाहते हैं तो उसी गमला में लगाइए, ये काफ़ी इजी तरीका है। अच्छे तो से ये बुशी भी बन जाएगा और ये 4 to 5 days में ग्रो कर जाता है। और इसको मैं हैंग करके रखी हूँ। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे बास्केट, छोटे छोटे कंटेनर भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए बड़ा गमला ही चाहिए। तो मैं अभी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मीडियम साइज़ का ये जो मीडियम होता है साइज के घरेलू, तो मैं अभी इसको मीडियम साइज़ के कंटेनर में ही लगा के हैंग करके रखी हूँ। अब इसमें खाद का बात करें तो खाद हमेशा की तरह ऑर्गेनिक ही मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि ऑर्गेनिक ही यूज़ करिए। तो इसके लिए आसानी से घर में मिल जाने वाला मैं बताती हूँ कुछ। जो लकड़ी का जो राख होता है उसको छाई भी बोलते हैं, तो अगर आपके पास वो है तो उसका यूज आप आधा चम्मच इसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्कलाइन होता है और ज़्यादा यूज इसका नहीं करना है, महीने में एक बार करना है। लकड़ी का राख या छाई बोलते हैं उसको, तो उससे क्या हमारा 2 फायदा होता है। एक तो जो हमारा उसमें प्लांट में कीट वगैरह लगता है, कीटाणु उटाणु, वो सब भी मर जाएगा और फ्लावरिंग अच्छा देने लगेगा। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपका मीडियम साइज़ का कंटेनर है तो उसमें आधा चम्मच ही यूज़ करें और इससे फ्लावर अच्छा आएगा। और दूसरा मैं ये यूज़ करती हूँ कि जो चाय पत्ती होता है, जो सबसे सस्ता चाय पत्ती हो आप उसको भी ला सकते हैं, और उसका 1 चम्मच हर 15 दिन में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अगर लकड़ी का जो छाई अगर यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी का राख यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको महीने में एक बार ही डालिए, तो इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसा ही यूज़ करती हूँ, मैं थोड़े दिन पहले ही प्लांट लगाई हूँ, अच्छा खासा फ्लावर भी मिल रहा है। और अभी 9 बजा नहीं है इसलिए अभी ये ज़्यादा अभी खिला नहीं है, अभी 8:30 के अप्रोक्स में है, लेकिन ये 9-10 बजे तक अच्छा खासा फ्लावर दे देता है। तो मेरा रिजल्ट अच्छा रहा है, आप लोग भी इसको ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि कैसा रिजल्ट। और ये मात्र 15 दिन में ही आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप इस खाद का यूज़ करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, 10 से 15 दिन में आपको अच्छा खासा फ्लावर, कलियाँ ये सब मिलने लगेगा। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। और एक और बात बताऊं कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा मेरा जो फ्लावर है वो गिर जाता है, तो इसका फ्लावर का खिलने का 9 से 10 बजे टाइम है, 2 से 3 में ये बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। तो इसके लिए इसका नेचर ही ऐसा है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका कलियाँ गिर जा रहा है, वो इसका नेचर ही है, उतना ही 7 से 8 घंटे ही ये फूल रहता है। और जो पुराना फ्लावर जो आपके प्लांट में आएंगे उसको आप ज़रूर निकाल दिया करें। पुराने फ्लावर को निकाल देने से प्लांट नए फ्लावर में सारा एनर्जी लगाता है और नए कलियाँ देने में अपना एनर्जी वेस्ट करता है। नहीं तो अगर पुराना लगा रहेगा तो उसमें भी कुछ एनर्जी जाता है, इसलिए थोड़ा कली कम हो जाता है।
ठीक है। और इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है, कहीं से भी एक छोटा सा टहनी लाइए और गीली मिट्टी हो या सैंडी मिट्टी हो किसी में आप डाल के लगा दीजिए, ये अच्छे से लग जाएगा, अच्छा ग्रो कर जाएगा और ये 4 से 5 दिन में ही लग जाता है। तो आप लोग को इतना फॉलो करना होगा और इतना फॉलो करिए और ये खाद यूज़ करिए, उसके बाद हमें कमेंट में डालिए कि क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या आपको ये वाला मिला रिजल्ट अच्छा। और एक और बताऊँ, अगर आप ये दोनों से ही अच्छा रिजल्ट नहीं पा रहे हैं तो आप 4 से 6 दाना DAP का भी यूज़ कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। हालांकि ऐसे करने का ज़रूरत नहीं होगा, ऑर्गेनिक खाद ही बेस्ट होता है और वो अच्छा रिजल्ट दे देगा आपको। तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ शेयर प्लीज़ करते रहे, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं दूसरे दूसरे वीडियो लेके आते रहूँगी।